Hello, dear students. Today I will discuss incomplete dominance in detail. What is incomplete dominance? We have learned so far that between two elements of a chain, one is completely dominant over the other and therefore does not allow the expression of the resisting element in a heterozygote. First, I explain you what are the homozygous and what are the heterozygous. Homozygous is the condition when both the genes or unique factors are of similar nature, and when both the genes of unique factor, both the genes or both the unique factors are dissimilar in nature in an individual. Expressing any trait are dissimilar genes are present, then that condition is known as heterozygous. And in case of heterozygous, only one gene is completely dominant over the other. यही मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस था. बट मेंडल सीन दैट some plants. Actually, Mendel not observed this. These are the exceptions of the Mendel's laws of dominance. All the plant species, you can say 99.9% of the plant species or animal species present on earth shows inheritance pattern like Mendel observation. जैसा मेंडल ने अपनी ऑब्जर्वेशन की और उसकी बेसिस पर फोर पोस्टुलेट्स बताए कि एक कैरेक्टर को फर्स्ट पोस्टुलेट था उनका, एक कैरेक्टर को पेयर ऑफ जीन्स डिसाइड करते हैं और इन्हीं को उन्होंने यूनिक फैक्टर्स कहा था और बाद में इन्हें ही एलील क्या जीन्स कहा गया. दूसरा पोस्टुलेट उन्होंने बताया कि अगर कभी ऐसा केस बनता है कि दो डिसिमिलर जीन्स एक साथ एक इंडिविजुअल में है तो कोई एक जीन ही खुद को एक्सप्रेस कर पाता है और जो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो डोमिनेंट जीन कहलाता है और यही उनका लॉ ऑफ डोमिनेंस था. फिर इसके बाद मेंडल ने तीसरा अपना पोस्टुलेट बताया था जिसे कहा गया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. यानी मेंडल ने ये भी बताया था कि इंडिविजुअल में, एडल्ट फॉर्म में इंडिविजुअल है तो वहाँ तो एक जीन को, एक कैरेक्टर को डिसाइड करने के लिए दो जीन होंगे यानी पेयर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होंगे. बट अगर कभी गैमेट बनेगा तो जोड़े के दोनों जीन अलग हो जाएंगे और यही इन्होंने कहा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है. दैट वाज हर थर्ड पोस्टुलेट और अब उसी को हम सेकंड लॉ ऑफ मेंडल यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के रूप में जानते हैं. इसी तरीके से मेंडल ने एक फोर्थ पोस्टुलेट रखा जिसे केवल डाइहाइब्रिड क्रॉस में ऑब्जर्व किया जा सकता है जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है. ठीक है, तो यहाँ हम जो एक्सेप्शंस देखने जा रहे हैं ये मेंडल ने इन्हें एक्सप्लेन नहीं किया था, ये पोस्ट मेंडेलियन एरा में ऑब्जर्व किए गए. कुछ पौधों में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाई दिए कि वो मेंडल के लॉ, फर्स्ट लॉ जो था या उनका जो सेकंड पोस्टुलेट था, इफ टू यूनिट फैक्टर्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल एक्सप्रेसिंग एनी ट्रेट आर डिसिमिलर इन नेचर देन ओनली वन विल एक्सप्रेस इट्सेल्फ एंड एक्सप्रेशन ऑफ अदर विल कंप्लीटली बी डोमिनेटेड बाई दैट डोमिनेंट जीन. तो ये बात मेंडल ने बताई और इसी को कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस. लेकिन एक प्लांट जो बहुत पॉपुलर हुआ, इन प्लांट्स लाइक फोर ओ क्लॉक, मिराबिलिस जलापा भी एक प्लांट है, फोर ओ क्लॉक प्लांट है, और या जो बुक में आपके एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो मेन आपको याद रखना है स्नैप ड्रैगन प्लांट दिया है, या इसे ही कहते हैं डॉग फ्लावर भी कहते हैं. तो एंटी राइनम मेजस इसका नाम है, एंटी राइनम मेजस बेटा याद रखिएगा, स्नैप ड्रैगन या एंटी राइनम मेजस एक प्लांट है
तो इन प्लांट्स में ऐसा देखा गया, इफ रेड फ्लावर प्लांट्स आर क्रॉस्ड विद व्हाइट फ्लावर्ड वंस द F1 प्रोड्यूसेस पिंक फ्लावर्स। जबकि मेंडल के अकॉर्डिंग कैसा बनना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू मेंडल या तो F1 जनरेशन के पौधे सारे रेड होते और या तो सारे पौधे कैसे होने चाहिए थे मेंडल के, वाइट होने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या, ना तो F1 जनरेशन का पौधा रेड आया ना ही F1 जनरेशन का पौधा वाइट एक्सप्रेशन शो किया। इसका मतलब है, इसका ये मतलब हुआ कि F1 जनरेशन में आप यहाँ स्क्रीन पर आपको जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आपकी बुक NCERT में ही बेटा जो डायग्राम दिया है वही डायग्राम आपको यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। आप देख पा रहे हो कि जो F1 जनरेशन है यहाँ पर, ये F1 जनरेशन में आप देख पा रहे हैं कि जो पौधे हैं ऑल पिंक हैं, ठीक है। तो ये ऑल पिंक जो प्लांट्स हैं इन्हीं की बात अब हम लोग करने वाले हैं। और ये मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन है, ये मेंडल के लॉ जो बताया था उन्होंने, तो उनके लॉ के हिसाब से तो या तो F1 जनरेशन के पौधे रेड दिखने चाहिए या तो व्हाइट दिखने चाहिए, लेकिन दिख कैसे रहे हैं, ऑल आर पिंक, ठीक है। तो ये क्रॉस भी आप थोड़ा समझ लीजिए, तो वो जो मेंडल का प्लान होता था उसी के अकॉर्डिंग हमेशा वो क्या करते थे, पेरेंट जनरेशन लेते थे, पेरेंट प्योर ब्रीड होते थे। तो यहाँ पे भी पेरेंट जनरेशन में आप देख पा रहे हैं कि ये आप देख पा रहे हो कि रेड कलर की एक मेल प्लांट या फीमेल प्लांट में, चाहे आप मेल को रेड ले लो चाहे फीमेल को रेड ले लो, चाहे मेल को वाइट फ्लावर वाला ले लो या फीमेल को रेड फ्लावर वाला ले लो, तो कोई भी ले पेरेंट, तो यहाँ रेड प्लांट लिया गया, रेड फ्लावर वाला प्लांट लिया गया। और इसमें यानी कि प्योर ब्रीड है तो कैपिटल R इसका जीनोटाइप है, और इसी तरीके से जो वाइट है वो स्मॉल R जीनोटाइप वाला हुआ। फिर इसका क्रॉस जब किया गया तो देखा गया F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स कैसे हो रहे हैं, पिंक हो रहे हैं। तो जनरली होता क्या है कि जो रेड और वाइट अगर दो रहते थे तो रेड जो है वो डोमिनेंट होता था, उसी के बेसिस पर यहाँ पर जीनोटाइप जो है वो बताया गया, कैपिटल R रेड के लिए डिसाइड किया गया, स्मॉल R वाइट के लिए। लेकिन स्नैप ड्रैगन फ्लावर में F1 जनरेशन में जब सारे प्लांट्स पिंक आए तो फिर उसके बाद F2 जनरेशन भी देखी गई, बिल्कुल मेंडल के प्लान के अकॉर्डिंग देखी गई। तो मेंडल के प्लान के अकॉर्डिंग ही F2 जनरेशन लेने के लिए क्या करते थे मेंडल, F1 जनरेशन के प्लांट्स को सेल्फिंग कराते थे। यानी कि F1 जनरेशन में जो एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स मिला है उस ग्रुप ऑफ प्लांट्स में से किसी एक पौधे को मेल और किसी एक पौधे को फीमेल प्लांट की तरह वो कंसीडर करते थे, यानी किसी एक पौधे का पॉलन ग्रेन किसी एक की स्टिग्मा पर डस्ट करते थे और पॉलिनेशन अलाउ करते थे, फर्टिलाइजेशन अलाउ करते थे, सीड फॉर्मेशन होने देते थे, सीड फॉर्मेशन के बाद नया पौधा आता था और इस समय जो बीज बनेंगे उस पौधों में वो F2 जनरेशन कहलाएगी। तो जब इस स्नैप ड्रैगन के प्लांट में F1 जनरेशन जिसमें ऑल पिंक प्लांट्स आए थे उनका क्रॉस कराया गया तो ऐसा देखा गया, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आपको देखिए दिखाई दे रहा होगा कि जो F2 जनरेशन आप देख रहे हो तो F2 जनरेशन में एक रेड फ्लावर आया हुआ है, एक पिंक फ्लावर आया हुआ है, सॉरी एक रेड फ्लावर आया हुआ है और एक वाइट फ्लावर आया। यानी कि जो पेरेंट जनरेशन थी जो F1 जनरेशन में बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं हुई थी वो भी आई है F2 जनरेशन में, एक फ्लावर रेड है एक फ्लावर वाइट है लेकिन दो फ्लावर अभी भी पिंक आए। यानी अगर आप देखें तो भी टोटल 4 अगर प्लांट्स आए तो एक रेड फ्लावर वाला है, एक वाइट फ्लावर वाला है, दो पिंक फ्लावर वाले हैं। यानी अगर रेशियो आप निकालोगे तो 1:2:1 आ रहा है, यानी 1:2:1। और यही जीनोटाइप भी होगा और यही इसका फिनोटाइप भी है, जैसा कि मेंडल का क्रॉस। लेकिन अगर हम देखते थे मेंडल ने अपने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बताया था तो F2 जनरेशन में क्या होता था, 3 पौधे अगर मेंडल के हिसाब से इन्हें देखा जाए तो F1 जनरेशन के सारे प्लांट्स रेड होने चाहिए थे और F2 जनरेशन में 3 रेड एक्सप्रेशन वाले और एक वाइट एक्सप्रेशन वाला प्लांट आता, इसीलिए मेंडल के F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है। लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो मेंडल ने जो बताया था 1:2:1 वही टाइप का रेशियो यहाँ फिनोटाइपिक में भी
और जीनोटाइपिक में भी F2 जनरेशन में देखने को मिलता है। यानी कि इस तरीके से आप जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस देख पा रहे हैं, नीचे लिखा भी हुआ है बेटा, फेनोटाइपिक रेशियो रेड पिंक व्हाइट, वन रेड टू पिंक वन व्हाइट, इसीलिए फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल कैसा दिखाई दे रहा है, एक फ्लावर रेड एक व्हाइट फ्लावर वाला पौधा, दो पिंक फ्लावर वाले पौधे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और जीनोटाइपिक रेशियो भी जब क्रॉस जैसा मेंडल पुनेट स्क्वायर को लेकर बनाते थे वैसा बनाया गया, जो क्रॉस भी आप F2 जनरेशन का देख रहे हैं यहाँ पे, तो जीनोटाइप रेशियो उसके अकॉर्डिंग 1:2:1 आया। तो ये जो कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसी को मेंडल ने इसे एक्सप्लेन नहीं किया था। एक्चुअली ये पोस्ट मेंडेलियन एरा में जो अदर साइंटिस्ट ने, जो जेनेटिस्ट थे, उन्होंने वर्क किया और इसे मेंडल के लॉस को एक बार ये हुआ कि क्या ये यूनिवर्सल नहीं है, तो बाद में और स्टडी हुई तो एक फैक्ट एस्टेब्लिश किया गया कि सम प्लांट्स सम एनिमल्स और सम ऑर्गेनिजम्स यू कैन से शोज एक्सेप्शंस डाइवर्जेंस फ्रॉम द मेंडल्स लॉज ऑफ डोमिनेंस। और ऐसा दो केस मिलता है, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस यहाँ जो कि आप देख रहे हैं स्नैपड्रैगन प्लांट के माध्यम से, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब ना F1 जनरेशन में ना तो रेड प्लांट खुद को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है, ना ही वाइट वाला जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, बल्कि एक अलग एक्सप्रेशन आ रहा है जो कि रेड और वाइट का मिक्स है। यानी कि रेड ने भी खुद को एक्सप्रेस किया, वाइट ने भी खुद को एक्सप्रेस किया, लेकिन ना तो रेड अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर पाया, ना वाइट अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर पाया। यानी कि बोथ वाइट एंड रेड मींस बोथ डोमिनेंट जीन एज वेल एज रेसेसिव जीन इन केस ऑफ हेटरोजाइगस कंडीशन एक्सप्रेस्ड इटसेल्फ, दोनों ने ही अपने आप को एक्सप्रेस किया बट इनकम्प्लीटली। तो किसी का एक्सप्रेशन हाइड नहीं हुआ और कोई पूरी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाया। डोमिनेंस दस अपीयर्स टू बी पार्शियल और इनकम्प्लीट, और इसी फिनोमेनन को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहा गया। दिस इज नॉट अ केस ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस एज वन माइट टेंड टू बिलीव कैन बी अंडरस्टूड इफ वी लुक एट द रिजल्ट ऑफ F1 में आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि F1 में सारे जो प्लांट्स हैं वो पिंक दिख रहे हैं। इन F2 में जीनोटाइप 1:2:1 इज ऑब्टेंड लाइक अ टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद द डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, फिनोटाइपिक रेशियो इज डिफरेंट इन F2 जनरेशन एंड फिनोटाइपिक रेशियो इज ऑल्सो 1:2:1। द क्लियर कट केसेस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एट फेनोटाइप लेवल में बी रेयर। In a heterozygote, the recessive allele may also express resulting into a different phenotype. तो यहाँ पर आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको एलिलिक इंटरेक्शन जो है वो अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है F1 जनरेशन में, उसके माध्यम से आप अपने आप को देख पा रहे हैं। जनरली क्या होता है, इन केस ऑफ हेटरोजाइगोट बोथ एलील्स कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, ओनली वन एलील एक्सप्रेस इटसेल्फ, बट इन दिस केस, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अ हेटरोजाइगोट बोथ एलील्स एक्सप्रेस देमसेल्फ, दिस फेनोमेनन हैज बीन ऑब्जर्व हियर। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। इफ यू हैव डाउट्स देन राइट मी एंड आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स। दिस video will be available on my channel, you can see and you can learn. You can like, share and subscribe my videos. Okay students, thank you.